दोस्तों, मानसून के सीज़न में या फिर अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। फीवर की समस्या लोगों को परेशान कर रही है और इम्यून सिस्टम भी लोगों का कमज़ोर हो रहा है। आपको हेल्दी रखने के लिए आज हम कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मानसून की शुरुआत के साथ डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, किन चीज़ों से दोस्ती करनी है, ये समझ लीजिए। दरअसल डेंगू एडीज मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। डेंगू होने से शरीर में तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या होती है और आपकी जो प्लेटलेट है वो लगातार गिरती जाती हैं। ज़्यादातर डेंगू बुखार की चपेट में बच्चे और बड़े बुजुर्ग आते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण भी जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए आपको खान पान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपको परहेज़ करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो डेंगू के मरीज़ों में ये और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको डेंगू के लक्षण हैं और आप मसालेदार खाना खा रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेट में एसिड जमा करता है, अल्सर की दिक्कत बढ़ा सकता है, इसकी वजह से ठीक होने में आपको लंबा वक्त लग सकता है। इसके साथ ही कॉफ़ी की मात्रा भी आपको कम करनी है या फिर आपको कॉफ़ी बंद कर देनी है। देखिए, डेंगू में कॉफ़ी या कैफीन से जुड़ी चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना है। इसमें हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स आपको पीने हैं, कैफीन युक्त ड्रिंक्स से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये दिल की धड़कन को बढ़ाने, थकान और मांसपेशियों की दिक्कत को बढ़ाती हैं। नॉनवेज खाने से भी आपको दूर रहना है। डेंगू के मरीज़ों को नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खूब सारा मसाला होता है और ये आसानी से पचता भी नहीं है। नॉनवेज मरीज़ों की दिक्कत को और बढ़ा सकता है, इसलिए इस समय गुनगुना पानी आपको पीना है, खूब सारा हेल्दी लिक्विड डाइट आपको लेना है। साथ ही आपको कौन सी चीज़ें खानी है डेंगू में, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नारियल पानी का इस्तेमाल करना है। पपीते का पत्ता आप ले सकते हैं। नारियल पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स और ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। आप पपीते का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कीवी, एक जो फल आता है, आप कीवी फल का इस्तेमाल करिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए डेंगू के मरीज़ों के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।